हेलो फ्रेंड, दीदी की रसोई में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जान रहे हैं, आज एकादशी है, जिस दिन सब लोग व्रत रहते हैं। तो व्रत के लिए हम आज सिंघाड़े का और कुट्टू के आटे की टिक्की बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने आधा आधा सिंघाड़े का आटा और कुट्टू का आटा लिया है। ये पिसी हुई मिर्ची ली हुई है और मिक्स किया हुआ आलू लिया हुआ, उबला हुआ आलू मिक्स करके इसको तीनों एक साथ मिला लेंगे। तो चलिए मिलाते हैं। पहले इस तरह से डाल देंगे सारा। हरी मिर्ची चाहो तो आप लाल मिर्च भी डाल सकते हो, धनिया भी डाल सकते हो इसमें। और मैंने ये हरी मिर्ची ली है और नमक स्वाद अनुसार, जैसे कि व्रत के लिए बन रहा है तो इसमें सेंधा नमक पड़ेगा, व्रत वाला नमक, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा ये डो है बिल्कुल तैयार हो चुका है, जो हमने बनाया हुआ है आलू और सिंघाड़े और कुट्टू का तीनों मिक्स। अब टिक्की ऐसे करके हम एक एक छोटा छोटा ऐसे करके हाथ के सहारे से इसको हम ऐसे बना लेंगे। चाहो तो आप इसको तवे पे सेक भी सकते हो हल्का सा घी डाल के, और चाहो तो डीप फ्राई कर सकते हो। मैं डीप फ्राई करूँगी तो मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया जो हमारा गर्म हो रहा है, ये देखिए। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे, ऐसे करके हम रख लेंगे। हमारा घी बिल्कुल गर्म हो चुका है और इसको हम आराम से ऐसे डालेंगे और इसको हम फ्राई कर लेंगे। फ्लेम हमारा मैंने हाई फ्लेम पे गर्म किया था, उसके बाद मीडियम पे करके इसको सेकेंगे ताकि अच्छे से करारा हो जाए, और इसको 5 से 7 मिनट ही लगेगा। देखिए मैं पलट रही हूँ इसको, हल्का सा हो गया है, दोनों साइड अच्छे से पकाना है। ये 5 मिनट तक हम इसको पका के डीप फ्राई करके निकाल लेंगे। ये हमारा टिक्की तैयार हो चुका है, एकदम गोल्डन कलर का, अच्छा क्रिस्पी सा हो गया है। ऐसे हम सारे टिक्की बना लेंगे और इसको सर्व करेंगे। देखिए हमारी टिक्की बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप भी बनाएं और बताएं कैसा लगा, और दीदी की रसोई चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।